सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, पावर सप्लाई, रोजगार, लद्दाख में हर दिशा में दृश्य भी बदल रहा है, परिदृश्य भी बदल रहा है। पहली बार यहां होलिस्टिक प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। जल जीवन मिशन की वजह से अब लद्दाख के 90% से ज्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंच रहा है। लद्दाख के युवाओं को क्वालिटी हायर एजुकेशन मिले, इसके लिए यहां सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। पूरे लद्दाख क्षेत्र को 4G नेटवर्क से जोड़ने का काम भी चल रहा है। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का काम भी जारी है। इसके वजन बनने से नेशनल हाईवे नंबर 1 पर भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। साथियों, हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के असाधारण लक्ष्य तय किए हैं। चैलेंजिंग टास्क को अपने हाथों में लिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने ऐसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अभूतपूर्व गति से काम किया है। BRO ने पिछले 3 साल में ही 330 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इसमें लद्दाख के विकास कार्यों से लेकर पूर्वोत्तर में सेला टनल जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल है। मुश्किल टेरेन्स में विकास की एक गति नए भारत की क्षमता और दिशा दोनों दिखाते हैं। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियां पहले से अलग है, इसलिए हमारी सेनाओं को हथियारों और उपकरणों के साथ साथ कार्यशैली और व्यवस्थाओं में भी आधुनिक होना चाहिए। इसलिए देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस करता रहा था। सेना स्वयं वर्षों से इसकी मांग कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से पहले इसे उतना महत्व नहीं दिया गया। बीते 10 वर्षों में हमने डिफेंस रिफॉर्म्स को रक्षा क्षेत्र की पहली प्राथमिकता बनाया है। इन रिफॉर्म्स के कारण आज हमारी सेनाएं ज्यादा सक्षम हुई हैं, आत्मनिर्भर हो रही है। आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बड़ी हिस्सेदारी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को दी जा रही है। डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का भी 25%
प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।